सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, को फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइफा स्टडी पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, क्योंकि मैं अपने खुद से लिख करके ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ कॉपी कैसे लिखनी है। मैंने खुद लिखा है इस कॉपी को, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ उसमें नहीं करना है कि ये करना है वो करना है, इस पेन से उस पेन से खोज पोच उसी में, मतलब ये सब नहीं करना है, ठीक है। सिंपल आपको कॉपी कैसे लिखनी है, और सिंपल कॉपी लिखने से आपको नंबर जो होते बहुत ही अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको अभी बताऊँगा आगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं खुद की कॉपी जो लिख के लाया हूँ वो कंप्यूटर की कॉपी लेकर के आया हूँ। इससे आपका जो जो मॉडल पेपर है वो भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या करना है सब कुछ आगे चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारा पार्ट होता है वो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, ठीक है। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना दीजिए, और कोई भी डिजाइन आप इधर बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं, चाहे वो स्टार बना दीजिए, हैज बना दीजिए, या फिर ऐसे तीर बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें दो लाइनें छोड़कर उत्तर नंबर एक डालना है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्या हम प्रश्न लिख दें या फिर चारों ऑप्शन लिख दें उसके बाद हम उत्तर को लिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सिंपली उत्तर नंबर एक डाल करके और उसके बाद एक लाइन छोड़ करके उसका जो ऑप्शन सही होगा अगर वो डाल के और उसका आंसर अगर सामने लिख देते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा है, और इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। हालांकि एक नंबर का होता है तो इसमें नंबर बिल्कुल भी नहीं कटते हैं जो बहुविकल्पी होते हैं, ठीक है। ऐसे आप लिख दीजिए, आप बहुत अच्छा लगेगा देखने में, और ये आपको काले से, ये काले से, और बाकी आपको नीले से लिख देना है। उसी प्रकार फिर से दो लाइन छोड़ना है, दो लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर उत्तर नंबर दो डालना है और उसका भी आंसर सेम प्रकार से लिख देना है। उसके बाद फिर से दो लाइन छोड़ना है, और देखिए जो आंसर है, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर चार लिखा है यहाँ पर, उत्तर नंबर चार लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर चार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तर नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका आंसर, और उत्तर और आंसर के बीच एक लाइन छोड़नी चाहिए, वहाँ पर, यहाँ पर मैं भूल गया था छोड़ने को, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन लिखनी थी हमें यहाँ पर लिखनी थी, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये आपको एक लाइन ज़रूर छोड़ना है। उसके बाद दो लाइनें छोड़ना है, ठीक है, दो लाइनें छोड़ने के बाद फिर से उत्तर नंबर पाँच, और जब हमारा ये पूरा पेज ख़त्म हो जाए, हालांकि मेरा यहाँ पर पेज ख़त्म हो गया तो इस वजह से मैंने लाइन यहाँ पर नहीं खींचा, ठीक है। हालांकि आप लोग यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिएगा ब्लैक कलर से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट आता है वो आता है हमारा अति लघोत्तरी प्रश्न का, ठीक है, आपको ऐसे डाल देना है, और जो हमारा बहुविकल्पी होगा वो तो नए पेज से होगा। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा अति लघुत्तरी का, वो भी हमको नए पेज से स्टार्ट करना है, उसी पेज में लिखना नहीं है, ठीक है, नए पेज से हमको स्टार्ट करना है। उसके बाद डालेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, और उसके बाद हम डालेंगे जो हमारा प्रश्न होगा, यानी कौन सा प्रश्न है, उत्तर नंबर छः, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन हमारा दोस्तों पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि एनालॉजिकल इंजन, ठीक है, एनालॉजिकल इंजन के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि जो क्वेश्चन जैसे होता है ना, पूछा जाता है कि अति लघुत्तरी क्वेश्चन आपके 30 शब्दों में होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है, तो कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है, एनालॉजिकल इंजन सिद्धांत जो होता है वो लागू होता है। तो यहाँ पर आपको 30 शब्द आपको कैसे बना देना है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर बना के लिख देना या फिर दो तीन बार ही लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो छोटे क्वेश्चन होते हैं सिर्फ एक लाइन का आंसर होता है, यहाँ पर 30 शब्द में नहीं लिख सकते हैं। तो आप अगर एनालॉजिकल इंजन ऐसे लिख देते हैं या फिर लिख देते हैं कि कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है, तो यहाँ पर आगे लाइन लिख दिए कंप्यूटर पर एनालॉजिकल इंजन सिद्धांत जो होता है वो लागू होता है, तब भी आपको यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उत्तर नंबर सात जैसे हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से लिखना, यानी कि जो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन छोड़ देंगे, मतलब थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और नियम भी होता है इसमें कि हाँ जब हम नया पैराग्राफ लिखते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, इससे कि क्या होगा, एग्जामिनर को बहुत ही अच्छा लगेगा और वो सोचेगा कि हाँ बच्चे में दम है, वो इन सब छोटी छोटी बातों को वो जानता है कि पैराग्राफ जब हम नए से लिखते हैं तो छोटी सी लाइन छोड़ देते हैं उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वो आपसे और ज़्यादा प्रभावित होगा और आपको और अच्छे वो नंबर देगा।
उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन एक ख़त्म हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा, तब यहाँ पर इस प्रकार की लाइन हम खींच देंगे, ठीक है, मोटे कलर से इसकी जैसे लाइन खींच देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन में फिर वही काम करेंगे, हम थोड़ी सी लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह करते करते फिर यहाँ पर देखिए जो हमारा फिर उत्तर नंबर 9 आ जाता है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा छोड़ के और अच्छी अच्छी राइटिंग में खूब अच्छे ढंग से लिखते चले जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हमारा ख़त्म हो जाए तो फिर से लाइन क्लिक कर देंगे यानी खींच देंगे। उसके बाद हम इसी तरह सारे क्वेश्चन लिखते जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमको ध्यान ये देना, जो उत्तर नंबर 11 में हमें देखने को मिल रहा है, मिल ये रहा है कि यहाँ पर देखिए हमने लाइन तो छोड़ा ही, साथ में जो हमारा, हालांकि मैंने इसको स्कैन किया है इस वजह से थोड़ा इस तरफ से पेज उस तरफ भी स्कैन हो गया है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा ब्लू हमने नीले पेन से लिखा था तो वो हल्का सा काला दिख रहा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ठीक है, आप लोग नीले से लिखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया टेक्स्ट, ठीक है, यानी यह एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है, नोट पैड पर बनाई जाती है, फाइल को विस्तृत नाम जो होता है वो टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हल्का सा मोटे पेन से काले पेन से लिख देंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है, आपको हाईलाइटेड मिल रहा होगा, या फिर इसके नीचे अगर छोटी सी लाइन क्लिक कर दें खींच देते हैं, लेकिन लाइन अगर नहीं खींचेंगे और सिर्फ काले पेन से लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर लिया गया है कि मेन्यू फाइल मेन्यू, ठीक है, यहाँ पर भी जो हमारा हाइलाइटेड ये है ये इस प्रकार से लिख दिया जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और जो एग्ज़ामिनर होगा उसकी सबसे पहले नज़र यहीं पर आके पड़ेगी। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट पेज से फिर लिखना है, जैसे हमारा लघुत्तरी प्रश्न पे आ जाते हैं, तो लघुत्तरी प्रश्न भी हमारा जो होगा वो नेक्स्ट पेज यानी नए पेज से शुरू होगा। और उत्तर नंबर जैसे 12 यहाँ पर दिया गया है तो 12 नंबर लिख के, और हमें पूछा क्या गया है, सबसे पहले हमें याद ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। तो हमारा जैसे पूछा गया था इसमें कि मल्टीमीडिया क्या है, तो मल्टीमीडिया डाल के उत्तर नंबर हमने डाल दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के मल्टीमीडिया डाल दिया, और मल्टीमीडिया हमने जो डाला उसको थोड़ा सा लाइन नीचे हमने काली क्लिक खींच दी, तो उससे और अच्छा लगेगा देखने में। और मोटे से लिखना है इसको, जो हेडिंग होगी हमारी वो मोटे से लिख देंगे। उसके बाद हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, लिखने के बाद फिर से हम मल्टीमीडिया के, जैसे इसी में पूछ लिया गया कि मल्टीमीडिया क्या है और मल्टीमीडिया के तत्व बताइए, तो मल्टीमीडिया के जो तत्व होंगे उनको हम नई लाइन में लिखेंगे, ठीक है। नई लाइन में लिखने के बाद फिर उसी में नहीं लिख देंगे, हाँ शब्द हो गया, चित्र हो गया, चलचित्र हो गया और ये एनिमेशन हो गया, यानी उसी लाइन में नहीं लिखते जाएंगे। उसके बाद हम 1 2 3 4 पॉइंट अच्छे अच्छे डाल के उसके बाद हम लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा देखने में, दूर दूर फैलाव में लिखा जाएगा और बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा आता है नेक्स्ट आता है कि वेब ब्राउज़र आता है, तो वेब ब्राउज़र भी ऐसे हम लिखते चले जाएंगे, और जैसे में जो आएगा हमारा जो मेन होगा, जैसे में जो लिखेगा वो हम थोड़ा सा काले पेन से लिख देंगे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है और यहाँ पर नेटस्केप है, नेविगेटर है, ठीक है, ये हम अपना काले से लिख देंगे तो और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आते हैं हम उत्तर नंबर 14 पे आते हैं, 14 में भी ऐसे है कुछ कि जो हमारे पॉइंट लिख रहे थे, तो पॉइंट कैसे लिखने थे, जैसे 14 में हमें पॉइंट लिखने थे, ये देखिए यहाँ पर जैसे हमें लिख दिया कि यहाँ मेन्यू में न्यू, तो न्यू हमने जो लिखा वो काले पेन से लिख देना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर इंग्लिश में बीच बीच में जो भी इंग्लिश में हम लिखते हैं, ठीक है, मीनिंग लिखते हैं, तो उनको हम अपने काले पेन से लिखेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। और अब इसमें आपको 2 नंबर जैसे मिल रहे हैं तो 2 में 2 ही नंबर मिलेंगे। और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई जो हमारे क्वेश्चन पहले आते हैं तो उनको हमें पहले लिखना है, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, 18वां नंबर क्वेश्चन आ रहा, तो वो हम क्या सबसे पहले लिख देंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती क्यों होती है, कि क्योंकि हमारे भी जानने वाले काफ़ी लोग काफ़ी जांचने चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम उनसे थोड़ा सा टिप्स वगैरह लिया करते हैं कि कैसे कॉपी लिखते हैं तो आप अच्छे नंबर देते हैं, तो उन बोलते रहते हैं कि कोई कोई बच्चा होता है कि इधर का उधर, उधर का इधर लिख देता है, यानी पहले क्वेश्चन नंबर 18 लिख दिया, उसके बाद पहला नंबर लिख दिया, उसके बाद 17 नंबर लिख दिया, उसके बाद 6 नंबर लिख दिया, तो ऐसे में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारे एग्जामिनर जो होते हैं वो वहाँ पर पैसा पाते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि जितनी कॉपी हम एक दिन में चेक कर दें उतना ही मेरा पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कॉपी अच्छे से लिखेंगे और सीरियल वाइज लिखेंगे तब उसको आसानी होगी कॉपी जांचने में, और आपको अच्छे नंबर वो देते हुए चला जाएगा, ठीक है। उसको बार बार क्वेश्चन पेपर नहीं देखना पड़ेगा कि ये कितने नंबर का है, ठीक है।
अगर हम सीरियल से लिखेंगे तब, मान लीजिए अगर सीरियल से लिखेंगे तो हम पहले वो जानता है कि हाँ जो अध लघुत्तरीय क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं, लघुत्तरीय 2 नंबर के होते हैं। तो अगर यहाँ पर आपने डाल दिया सीधे 18 नंबर का, तो वो कैसे जान पाएगा कि ये अध लघुत्तरीय? फिर उसको क्वेश्चन पेपर में देखना पड़ेगा कि हाँ ये कितने नंबर का है। ठीक है, उसके बाद स्थायी नेटवर्क, जैसे हमारे जो हेडिंग वाले होते हैं, इनको हम हेडिंग को काली अली काली डाल के और अच्छे तरीके से इसको लिखते हुए चले जाएंगे। उसके वजह से हमने 16 में डाला, फिर कि सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन हमने ब्लैक कर दिया, उसको डबल कॉमा से बंद कर दिया। उसके बाद इसकी जो भारत में सर्च इंजन जो बनाया गया था वो 1994 में याहू नाम से बनाया गया था, तो 1994 और याहू को हमने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये देखने में अच्छा लगेगा। और सर्च इंजन के बारे में जैसे एग्जाम में देखेगा कि सन 1994 याहू नाम से बनाया गया, तो बहुत ही ज़्यादा उसको फिर फालतू की चीज़ें ये जो लिखी हुई हैं, ठीक है, इसको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, वो समझ जाएगा कि हाँ बंदे में दम है और उसने लिखा है, हाईलाइट किया है, बस इतना ही उसके लिए काफ़ी, और वो आपको नंबर पूरे के पूरे दे देगा, उसका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे 17 में दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट ये मैंने लिखा है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को आपको हाईलाइट कर देना। उसके बाद मैंने कहा था ना आप लोगों से कि थोड़ी सी जगह आपको छोड़ देनी है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, और थोड़ा सा पैराग्राफ जो इधर है, कोशिश करेंगे यही कि इधर का जो पैराग्राफ वो भी एकदम बराबर लिखें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो उसी तरह इधर भी जो पैराग्राफ हो एकदम बराबर हो, बीचों बीच में लिखा जाए, तब और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछा करते हैं कि सर ये बता दीजिए कि हमारा पेज, जैसे मान लीजिए अभी हम इस पेज पे हैं, 17 नंबर पेज पे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम किनारे पे PTO लिख देंगे, ठीक है, PTO लिख देंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज़ मतलब कॉपी को पलटिए, ठीक है, पेज को पलटिए। तो अगर हम लास्ट में पहुंच जाएंगे तो लास्ट में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे मान लीजिए 18 में यहाँ पर ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो हमारा क्वेश्चन था इसके बारे में हमें बताना, तो इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर फिर नहीं लिखने की ज़रूरत है कि हाँ यहाँ पर भी PTO लिखिए। ठीक है, यहाँ पर PTO लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर तो हमारा एंड हो ही गया है, यहाँ से हम पलटेंगे तो क्या हमको आगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है काले पेन से। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप सभी के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखिए सर कॉपी कैसे लिखना है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करिए, और इसकी अगर PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तब तक लिए हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।